बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ीब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से हमारी टीम विजिट करवाने जा रही है आप तमाम व्यूअर्स को सदर संडे डॉग मार्केट में। यहाँ पर आज हमें मार्केट थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। देखते हैं डॉग मार्केट में यहाँ पर कौन कौन से डॉग आज मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनकी क्या प्राइस है। आइए मार्केट का विजिट करवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सा डॉग लेकर आए? ये हस्की है। हस्की लेकर आए, प्योर है क्रॉस है? ये प्योर हस्की है। पेडिग्री नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री। अच्छा, तो इनकी एज कितनी है? इनके 50 दिन एज है। 50 दिन की एज है। जरा इनको आगे कैमरे की तरफ दिखाएगा इनका फेस। 50 दिन एज है। और क्या प्राइस है? 65 मांग रहे हैं आप। अच्छा, ये बताएं पार्वो की इनको डोज लगी हुई? पार्वो की वैक्सीनेशन लगी हुई? अभी 50 दिन के 70 दिन के हो जाएंगे, फिर वैक्सीन लगेगी इनको। पार्वो की वैसे लगी हुई नहीं है? नहीं। और इनको अभी खाने पीने में क्या क्या दिया जा रहा है? इनको दही दी जा रही है, उबाला हुआ गोश्त दिया जा रहा है और बिस्कुट दिया जा रहा है। और इनको खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे, क्या रहा था आपका? 60-65 तक के दिए जाएंगे, इससे कम में नहीं देंगे। और मार्केट में अभी क्या रेट लग रहे हैं? मार्केट में अभी 45 लग चुके हैं। 45 लग चुके हैं। आपने नहीं दिया? नहीं दिया। ये मैं चाहूँगा एक बच्चे को नीचे छोड़ के दिखाई। जी, पैंसठ फाइनल है। और भी कम करेंगे आप व्यूवर्स के लिए? 55 दे दिएगा, इससे कम नहीं हो सकता। 55 फाइनल है व्यूवर्स के लिए। जो कस्टमर है 45-50 तो लगा चुके हैं। अच्छा, ये दो ही पपी आपके पास? ये और भी मौजूद है? चार भी हैं, दो ये रहे, दो पीछे रखे हैं। तो केज के अंदर है, ब्राउन कलर का? जी। तो मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है? ये तीन फीमेल है, एक मेल है। तीन फीमेल हैं और एक मेल है। जी ठीक है। चलिए अपना नाम बता दें, काउंटिंग नंबर बता दें। फ़ोन नंबर 03-421-4905। लोकेशन क्या आपकी? नोट नाजमाबाद कराची। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या लेकर आए? मैं लैब्राडोर के पपीज लेके आया था। एक महीना 10 दिन के हो गए हैं, ये सेल्फ फीड पर हैं, खुद खा रहे हैं। जी जी, एक महीना 10 दिन के हैं। तो उनको क्या खिलाया जा रहा है खाने में? मैं इनको अभी डॉग फूड और सेरेलैक मिला के दे रहा हूँ। एक महीना 10 दिन की इनकी एज है। इनको पार्वो की वो लगा दी आपने वैक्सीनेशन? नहीं, अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई। पार्वो की नहीं लगी इनको? नहीं नहीं। और इनके मदर फादर दोनों मेरे पास घर पे ही हैं, घर की ही ब्रीड है। तो अगर आप फादर की क्या है, पेडिग्री नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री थे। एप्पल हेड में फादर है इनका, मदर अमेरिकन लैब्राडोर है, शॉर्ट टेल में है। उनको खरीदेगा तो आप पेरेंट्स दिखा देंगे? जी जी ठीक है। तो कितने पपीज मौजूद हैं आपके पास? मेरे पास 7 पपीज हैं। तो कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं? इसमें 2 मेल हैं, बाकी फीमेल हैं। क्या हमारे व्यूवर्स के लिए क्या डिस्काउंट होगा, इसमें क्या कमी पेशी? मैं डिमांड ही 25 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेल आउट करना है। मेरे जर्मन शेफर्ड भी है, वो भी हीट पर है, तो मैं उसकी केयर में लग जाऊँगा। कमी पेशी करके बता दें व्यूवर्स के लिए। फीमेल के 20 कर दूंगा मैं, और मेल के 25। चलिए नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। नाम तलहा है मेरा, और कॉन्टैक्ट नंबर है 03-13-21-44-000। लोकेशन क्या आपकी? अजीज़ाबाद। चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? मैं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या लेकर आए? जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट। जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट है, उसको बाहर निकाल के दिखाएगा। क्या है ये, पेडिग्री नॉन पेडिग्री? ये 8.5 महीने का, नॉन पेडिग्री है। इसके माँ बाप पेडिग्री थे, इसके पेरेंट्स पेडिग्री थे। जी, ये नॉन पेडिग्री है। जी। और क्या प्राइस है इसकी? 1.10। 1.10 मांग। जी देखिए, ये बताएं अभी एज कितनी होगा इसकी? ये अभी 8.5 महीने का हो गया। 8.5 महीने का हो गया। अच्छा, डाइट प्लान में सो क्या क्या दिया जा रहा है, क्या क्या खिला रहे हैं इसको? चिकन और चावल देते हैं। कितने टाइम देते हैं इसको? एक टाइम खिलाते हैं। तो एक टाइम में कितना खा लेता है? एक टाइम में इसको बाउल देते हैं, एक फुल करके इसको बाउल दिया जाता है, एक टाइम ही खाते हैं। किस टाइम खिलाते हैं, दिन के टाइम खिलाते हैं, रात के टाइम? रात के टाइम, 7-8 बजे के टाइम। ठीक है। इसके अलावा एक्टिविटी के अंदर इसको वॉकिंग पे कितने टाइम लेके जाते हैं? इसको एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम, दो टाइम इसको वॉक करवाते हैं। ये बताएं, ट्रेनिंग में कुछ सिखाया आपने इसको? ट्रेन किया? नहीं, इसको ट्रेन नहीं किया हुआ। ट्रेन नहीं किया हुआ। अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल 95 तक में। 95 में आपका रहा था। और मार्केट के अंदर अभी क्या रेट लग रहे हैं? मार्केट के अंदर लग रहे हैं अभी 70-75। तो 90 के अंदर आपका देने का रहा था? 95 में रहा था आपका, और 70-75 इसके लग रहे, लेकिन आपने अभी तक दिया नहीं है। 80 तक भी लगे पर मैंने नहीं दिया। चलें, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। मोहम्मद वसी, 03-21-25-91-415। अच्छा, लोकेशन क्या आपकी, कहाँ रहते हैं? लोकेशन किजरी। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक काम करें, इसको टेल लगा के दिखा दें ताकि इसकी ब्यूटी नज़र आ जाए। पिंजरा पैर
साइड है अच्छा, इसको रैकेट्स वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, टिक्स टिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है इसको। नहीं, इसके टांगों वगैरह में नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेट है जी। अच्छा, इसकी वैक्सीनेशन के मुताबिक बता दें। इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई है पर इसकी बुक मिस हुई है। वैक्सीनेशन कंप्लीट है लेकिन बुक मिस है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, परहेज से हैं? अल्लाह का एहसान जी। क्या लेकर आए? अगवान कुछ है, कोयटा वाले। कोयटा वाले अगवान कुछ लेकर आए, पपीज लेकर आए जी। तो क्या प्राइस इनकी? एक बच्चे के 5,000 रुपये। एक बच्चे के 5,000 रुपये, ठीक है। तो ये बताएं, मेल कितने, इसमें फ़ीमेल कितनी है? सर, इसमें 4 मेल है 4 फीमेल है। 4 मेल है 4 फीमेल है। अच्छा, और वैक्सीनेशन वगैरह पार्वो की? सर, वो पार्वो की वैक्सीनेशन हमारे को तो भूल जाती है कि भी, मगर हम फिर भी जिस कस्टमर को देते हैं उसको बोलते हैं करा लेना। तो ये बताएं कि अभी इनको खाने पीने में क्या क्या दिया जा रहा है? अभी मैं इनको दूध रोटी दे रहा हूँ और बॉयल चिकन दे रहा हूँ। बॉयल चिकन दे रहा हूँ। और अगर कोई खरीदना चाहे, फाइनल कितने तक में देंगे? दे देंगे 4-4.5 में। 4-4.5 में देंगे। चाहे नाम बता दें अपना, कॉन्टैक्ट नंबर? शहजाद नाम है मेरा सर, अभी मेरे पास सेल फोन नहीं है। सेल फोन नहीं है, सदर में ही होते हैं। चले, लोकेशन बता दें अपनी। सदर एम्प्रेस मार्केट, हर संडे। अच्छा, ये बताए कि 1,000 रुपये के बिक रहे थे, 5,000 रुपये क्यों कर दिया सर? ये बचा पीछे से 2,500 का आ रहा है। 2,500 रुपये का आ रहा है? तो आपने 2,500 रुपये खरीदे हैं जी। पता ही चल गया, अगर पता ही चल गया कि आपने 1,000 रुपये खरीदे हो तो? 1,000 रुपये खरीदे हो तो अगर आप सही, सारे बच्चे फ्री में आपको दे दूंगा। सारे बच्चे फ्री में देंगे अगर 1,000 रुपये खरीदा? ठीक है। अब हमारे जुनैद भाई हाशमी साहब के पास हारून साहब का नंबर है, ठीक है, वो कॉल करके उनसे मालूम कर सकते हैं। आप कह रहे हैं आपको 2,500 रुपये का एक बच्चा पड़ा, तो आप 5,000 का दे रहे हैं? 4.5 में देने का आप कह रहा था। कोई लोकेशन वगैरह नहीं बताएंगे कहाँ रहते हैं, ताकि अगर कल को कुछ हो तो फिर बंदा पकड़ भी लेना आपको? लोकेशन बता दें अपनी। सदर एम्प्रेस मार्केट, हर संडे। रिहाइश कहाँ है? रिहाइश मेरी यही शालतीफ। शालतीफ में रिहाइश, टूड़ी गोदाम के पास, गली नंबर 5। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर बता दें। व्हाट्सएप नंबर? मोबाइल नहीं है, व्हाट्सएप क्या रखा हुआ मैंने? व्हाट्सएप मोबाइल, व्हाट्सएप जो मोबाइल में होता है? बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है व्हाट्सएप क्या होता है? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो देख सकते हैं आप लोग के जानवर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी के शिकार हो गए। देख सकते हैं किस तरीके से जर्मन शेफर्ड हाँप रहा है यहाँ पर। तो अभी इसको पानी वानी दिया है लेकिन गर्मी इसको लग गई है। आइए इससे मुतालिक को मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, परहेज से हैं? शुक्र जी। क्या हो गया सुबह, गर्मी वर्मी लग गई जर्मन शेफर्ड को? गर्मी लग गई। अच्छा, जब लेकर आए थे सही था ये? सही। अच्छा, तो गर्मी लगी कैसे इसको? बस पानी वानी पिलाएंगे, अभी उड़ जाएगा। पानी वानी पिलाएंगे, सेट हो जाएगा। अच्छा, वैसे कितने का सेल कर रहे हैं? 25 का सेल कर रहे हैं। नॉन पेटिगरी है? नॉन पेटिगरी। अच्छा, डाइट में क्या क्या दिया जा रहा है इसको, क्या क्या खिला रहे हैं? इसको चिकन, चावल और दलिया और कल्ले का गोश्त। अच्छा, वैक्सीनेशन वगैरह इसकी कंप्लीट है? कंप्लीट। कार्ड वगैरह मौजूद है आपके पास? कार्ड नहीं। अच्छा, अगर ये सेट हो जाए फिर इसको किसी को सेल करिएगा आप, ऐसे सेल नहीं करिएगा, ठीक है? पानी वानी दें इसको, फिर सेट कर लें। अभी सेट हो जाए। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, देख सकते हैं खड़ा हो चुका है और लेटा हुआ है, हाँफ रहा था गर्मी की वजह कर। थोड़ी सी वॉक करवाई जा रही, पानी वानी तो दे दिया इसको, लेकिन इन्होंने बताया कि वॉक वगैरह करने के बाद सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कौन सा डॉग लेकर आए? ये गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर लेकर आए? तो प्योर है, क्रॉस है? प्योर है, पेडिग्री है। पेडिग्री है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आए? वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइल वगैरह लेकर आए। दिखाइएगा डॉक्यूमेंट्स। पेटिगरी डॉक्यूमेंट्स है इसके? जी हाँ, पेटिगरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सर्टिफिकेट वगैरह तमाम सारी चीज़ें इसकी। अच्छा, वैक्सीनेशन इसमें सब कुछ मौजूद है? सब कंप्लीट है, वैक्सीनेशन कार्ड पूरा बना हुआ है इसका। ये वैक्सीनेशन कार्ड है, रैबिस वगैरह सब 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 लगी हुई है, पूरा कंप्लीट है, सारी चीज़ें बनी हुई है इसकी, तमाम चीज़ें इसकी, डॉक्यूमेंट, माइक्रोचिप नंबर वगैरह है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी ये बताएं कि डॉग की एज क्या? तकरीबन 14 महीने। 14 महीने इसकी एज है? हाँ। ठीक है, कितने का सेल कर रहे हैं? डिमांड तो वैसे 180 है, अब देखें क्या होता है। 180 डिमांड है? 180 डिमांड है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इसका डाइट प्लान क्या है, खाने में क्या क्या दिया जा रहा है इसको? मैं जोजेरा कैट फूड, डॉग फूड दे रहा हूँ, और एक टाइम पे जो है बॉयल चिकन खाता है, और पेडिग्री के 10 आते हैं वो खाता है। अच्छा। दो टाइम्स को खाना दे रहा है? दो टाइम इसको खाना दिया? दो टाइम दे रहा है। ठीक है। वॉक कितने दफ़ा करवाते हैं दिन में? एक बार इसको वॉक करवाते हैं, वॉक पे लेके जाते हैं रात में। तो ये बताएं कि आपने इसको छोटे बच्चे से पाला था या फिर आपने बड़ा पड़े बच्चे से पाला था? तो ये बताएं कितनी एज में आपने पाला इसको? 3-3.5 महीने के पास आया था मेरे पास। आपने कहाँ से लिया था, कहाँ से परचेस किया था? हमारे वहाँ गुलशन में ही ब्रीडर है एक, तो उनसे मैंने ख़रीदा था ये, तकरीबन साल भर से ऊपर हो गया मेरे पास ये। अच्छा, इसके पेरेंट्स की हिस्ट्री वैसी पैटेगरी? सब सब सब। ठीक है, तो ये बताएं कि आपने परचेस किया था 3.5 महीने से पाला, और अभी इसकी एज कितनी है? तकरीबन 14 महीने। 14 महीने इसकी एज है। तो इस दौरान में आपने इसको यकीनन ट्रेन भी किया होगा? जी हाँ। तो ट्रेनिंग में क्या क्या? ट्रेनिंग में अपना नाम पहचानता है, सेट,
अप गो कम हेयर और सारी चीज़ें, अगर आप इसको छोड़ेंगे वहाँ पे भाग रहा कहीं और दौड़ोगे उसको बुलाएंगे कॉल करेंगे तो भागा भागा वापस आएगा, सारी वीडियोज़ वगैरह सब है मेरे पास। अच्छा प्लेफुल है काफ़ी है। बहुत ज़्यादा बस एनी टाइम जो है ना वो बस इससे खिलवा लो। ये बताएं मार्केट में ला के सेल करने की वजह क्या है, क्यों सेल कर रहे हैं आप, कोई खास वजह? एक्चुअली मेरी हो गई है जॉब, तो अब इसको जो है ना टेक केयर करने वाला पीछे कोई नहीं है, तो इसकी वजह से जो है ना अब ये देना है क्योंकि अगर आपकी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये बताएं कि अगर कोई ख़रीदना चाहेगा हमारा कोई व्यूवर तो ये बताएं कितने तक में देंगे? तो साहब के व्यूवर के हिसाब से डिस्काउंट हो जाएगा, आएंगे जो भी आएगा वो अच्छा डिस्काउंट कर देंगे, हम खुद चाह रहे हैं कि किसी फैमिली वाले को मिल जाए, किसी सही बंदे को मिल जाए, अच्छे डिस्काउंट में दे देंगे। अच्छे डिस्काउंट में दे देंगे। चले पर नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। शाहरुख नाम है, 03113136478। लोकेशन क्या आपकी? गुलशन इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। कैसे काशिफ भाई, खैरियत से हैं? शुक्र मालिक अल्लाह। क्या लेकर आए? सर जी ब्लैक शेफर्ड, ओनली फॉर स्टड। ब्लैक शेफर्ड लेकर आए, इसके बारे में बताएं व्यूअर्स को, पैटेगरी नॉन पैटेगरी क्या है? ये इम्पोर्टेड मेल है और स्टड के लिए है, और मेल भी स्टड के लिए, और अभी इसके पप्पी अवेलेबल है, ब्लैक एंड टैन के भी पप्पी हैं मेरे पास फॉर सेल के लिए, किसी को चाहिए तो हाजिर है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पैटेगरी वगैरह? डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, वैक्सीनेटेड है, सब कुछ है। अच्छा क्या प्राइसेस की? सर जी सेल अगर करना है तो मैं 4 लाख रुपए मांग रहा हूँ उसके। 4 लाख रुपए मांग रहा हूँ उसके। तो ये बताएं कि अभी इसको खाने पीने में क्या क्या दिया जा रहा है, क्या इसका सर जी? बस सीज़न के हिसाब से होता है, जैसे सर्दी है तो हम इसको दही भी दे रहे हैं, ठीक है, कीमा चावल भी दे रहे हैं, गर्मी के अकॉर्डिंग जो है गर्मी का खाना है, सर्दी के अकॉर्डिंग सर्दी का खाना। अभी डॉग फूड वगैरह नहीं दे रहे हम, क्योंकि गर्मी में दिया नहीं दिया जाता डॉग फूड वगैरह, सर्दी में दिया जाता है जी। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी के अंदर ट्रेनिंग वगैरह दिया आपने इसको, कुछ सिखाया? सर जी डॉग्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं तो ट्रेनिंग तो हम नहीं देते, हाँ अगर किसी के डॉग्स आते हैं बोर्डिंग पे या किसी के डॉग बीमार हैं तो वो भी हम लेते हैं, बोर्डिंग पे रखते हैं डॉग्स, अगर कोई देना चाहे तो हम ज़रूर रखेंगे। अच्छा वैसे बात मानता है जी? ट्रेन है, काफ़ी ट्रेन है, बस यहाँ पर आके थोड़ा जी ट्रेन है, काफ़ी एडजस्ट है। अच्छा ये बताएं कि अभी मार्केट में क्या रेट लगे और आपकी क्या डिमांड है? नहीं सर मैं मार्केट में सेल के लिए नहीं लेके आया, बस आपके कहने पर भी डॉग बाहर निकाला है, मैंने डॉग बाहर भी नहीं निकाला था, मार्केट में सेल करने ही नहीं लाया, और यहाँ लोगों को ज़्यादातर इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि डॉग क्या है, ये लोग बेल्जियम शेफर्ड ही समझते हैं, ये प्योर शेफर्ड है, स्लांट स्लोप वाला बेल्जियम शेफर्ड होगा, वो सीधा होगा, स्ट्रेट होगा और उसमें ब्राउन शेड आ रहे होंगे, ये प्योर शेफर्ड है, बिल्कुल ब्लैक, प्योर ब्लैक। तो ये बताएं कि अगर हमारा कोई व्यूअर इंटरेस्टेड होता है ख़रीदने में तो आप उनको कितने तक में देंगे? सर जी कोई आएगा तो इंशाल्लाह कुछ तो हो जाएगा, मगर इतना नहीं होगा इतना समझ, क्योंकि हम इसका स्टडी दे रहे हैं कम से कम 40,000-50,000 का खाली स्टडी दे रहे हैं इसका जी। चैनल पर नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। काशिफ सत्तार नाम है मेरा सर, 03002402467। लोकेशन क्या आपकी? मेरी लोकेशन सर महमूदाबाद है। चलें बहुत शुक्रिया जजाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक का शुक्र, मस्ती में आए हैं आज आप? आज जरा मस्ती में, जरा मौसम टाइट हो रहा है, मज़ेदार मौसम है आज का। चाहिए बताएं साकिब भाई क्या लेकर आए? आज बहुत सारी खुशियां एक साथ मिल गई ना, इसलिए ज़्यादा मस्ती आ रही है। बहुत सारी खुशियां एक साथ मिल गई, एक दो फटीकों से निमट गई, जान छुट गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं डॉग में क्या लेकर आए जी? डॉग्स में क्या लेकर आए? डॉग्स में भाई रशियन लाया हूँ, मेल है ये, इसका नाम है उजी। उजी नाम है? हाँ ये किसी लेडीज से लिया तो उन्होंने बताया इसका नाम उजी है। तो ये बताएं कि क्या है इसके? प्योर है, क्रॉस है, 10 महीने का है, ओरिजिनल मेल है यार, मैं ओरिजिनल चीज़ लेता हूँ, क्रॉस में नहीं लेता अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो लेगा इंशाल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी, ये वो भी यानी एक्टिव भी बहुत है और गार्ड डॉग के लिए भी बेहतरीन नहीं है, लेडीज़ बच्चे सब पाल सकते हैं, ऐसा है, फैमिली डॉग है यानी कि फैमिली में रख सकते हैं, और पिंक नोज में आइज देखें माशाल्लाह इसकी कितनी खूबसूरत है मेरी जान, ये देखो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ये बताएं कि मार्केट में क्या रेट लग रहे हैं अभी इसके? मार्केट में तो अभी तक कोई नहीं लगे अभी, क्योंकि मैं अभी 15-20 मिनट हुए हैं मेरे को आए हुए इधर। तो ये बताएं कितने का सेल करेंगे फाइनल व्यूवर्स के लिए? यार ये 15,000 में दे दूंगा इंशाल्लाह। 15,000 में देंगे, और इसके अलावा क्या लेकर है? इसके अलावा ये शेफर्ड की फ़ीमेल है, 6 महीने की शेफर्ड की फ़ीमेल है, एकदम तैमूर भाई से लिए हमने जी। ठीक है, तो ये बताएं कि इसकी एज क्या है? इसकी 6 मंथ की है और खाने में सब कुछ खाती है माशाल्लाह से, खाने में कोई नखरे नहीं, जब इसकी हाइट देखें, सेहत भी अच्छी है माशाल्लाह, 6 महीने की है। और टांगों में कोई मसला हो सकता है? नहीं कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, चेक करके लिए। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे साकिब भाई? यार 30,000 फाइनल है इसके लिए, 40 मांग रहा हूँ, 35 में देना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई आपके दोस्त से आया तो मैं इंशाल्लाह
30,000 में भी पतली गली से निकाल दूंगा। अच्छा ये बताएं, इसके टांगों में इसके टांगे सही हैं? टांगे सही और आपकी टांगे? मेरी टांगों में थोड़ा दर्द है यार, रात में हो जाता है। रात में दर्द हो जाता है? थोड़ा दर्द होता है। अभी दो पपीज हो रहे हैं, वो भी ला के दिखाता हूँ। दो पपीज और हैं, उठा के ला लो। चले वो भी दिखा दो जी। साकिब भाई ये कौन से पपीज दिखा रहे हैं? भाई ये किसी साहब को देने बलोचिस्तान में ना, ये कल मैंने लिया था अपना नया नाजमाबाद से, और ये भी फीमेल पर यहीं से करी है मैंने अभी लिए, उनको पेयर देना था किसी साहब को ना, तो ये लिए मैंने पूरा पेयर करा। और वो जो आप बोले ना, वो जो पेयर था वो मैंने दिए लाड़काना में कोई सब इंस्पेक्टर साहब है उनको, कल भेजा है, आज पहुंच गए होंगे। अल्लाह साकिब भाई ये बताएं कि आप जो खरीदते हैं वो कितने में खरीदते हैं? लोगों के अंदर थोड़ा सा जज्बा है जानने का कि साकिब भाई कितने में डॉग खरीद रहे होते हैं। भाई मैं तो चाहता हूँ मुझे फ्री में मिल जाए, सबसे अच्छी बात है फ्री में। लेकिन ये कि भाई देखें, हमारे उस्ताद ने ये सिखाया था, जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करो ना, तो देखभाल के सबसे पहले चीज़ चेक करो, ओरिजिनल हो, सही हो, और कम से कम कीमत में लोगे तो आपको दो पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, यानी अच्छे पैसों में बिक जाएगा। आप मार्केट के रेट में बेचो, मार्केट के रेट से दो पैसे कम में बेच दो, ताकि आपकी चीज़ भी जल्दी बिक जाएगी और जो लेगा वो आपका पक्का कस्टमर बन जाएगा। सही बात बोली थी ना, डबल मुनाफा, समझ गए साकिब भाई, समझ गए, डबल मुनाफा। देखो ज़्यादा कमाऊँगा तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा पतली गली से, तो जाहिर है वही कमाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है आपके जो व्यूवर्स हैं उनकी वजह से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से सारा सिस्टम चल रहा है। और भाई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता जी, 03122912531, मोहम्मद साकिब खान, लोकेशन लांडी नंबर एक, छोटी मार्केट। एक दफ़ा वैसे ही सलाम कर दें व्यूवर्स को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे व्यूवर भी मौजूद हैं जो एक डॉग परचेज करना चाह रहे हैं साकिब भाई से, तो आइए मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, परियस हैं? परियस से आप सुना जमशेद भाई का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग पसंद किया आपने? जर्मन शेफर्ड साकिब भाई के पास आपके थ्रू आया था, आपके व्यूवर्स हैं तो इन्होंने थोड़ा ताउन भी किया हमारे साथ। ताउन किया जी साकिब भाई, आप क्या रेट कह रहे थे इनको? बस आपने जो कहा मैंने दे दिया, मैंने कहा था 30 से कम नहीं दूंगा, अब आपने बोला अपना बंदा है तो ख्याल कर लो, मैंने कर लिया जितना आपने बोला। सही मिल गया आपको, सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ अच्छी मिल गई है। थैंक यू आपको बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपके टावर से इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमारे साथ। कोऑपरेट किया, चलें इसको देख लें, चेक कर लें अच्छे तरीके से, मैं चाहूँगा आप पूरी तसल्ली करें उसके बाद लेके जाएँ। चीज़ माशाल्लाह अच्छी है, सही है। किसका ये? ठीक है तो आप खुश हैं जी? जी चीज़ आपको समझ में आ गई, चलिए अल्लाह ताला मुबारक करे, आप इनको पेमेंट कर दें। ओके ओके सही। अच्छा साकिब भाई इसका डब्बा कहाँ है? साकिब भाई इसका डब्बा कहाँ है? डब्बा भी बनवाने का ऑर्डर दिया हुआ है। डब्बा बनवाने का, डब्बा पैक दिया ना आप? डब्बे के पैसे देंगे तो डब्बा। चलें साकिब भाई बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स का इस तरीके से ख्याल रखने के लिए। यार भाई आप सब भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे जनाब, परियस हैं? जी बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? ये रेशियन पुडल है। तो क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड तो 225 कर रहे हैं। अच्छा क्रॉस ब्रीड है जी, 25 डिमांड है इसकी। एट पे ही अभी मेट करवाया परसों इसको। एज कितनी है इसकी? इसकी एज है 18 मंथ्स हो गए। 18 मंथ इसकी एज है। वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट है? वैक्सीनेशन कंप्लीट है, कार्ड नहीं है। वैक्सीनेशन कार्ड नहीं गुम हो गया। अच्छा ये बताएं कि इसको डाइट में क्या क्या दिया जा रहा है, क्या क्या खाना पसंद करते हैं? कीमा चावल, बॉयल चिकन, ऐसी डबल रोटी, दूध, ये फीड करते हैं। तो ये बताएं दिन में इसको कितने टाइम खिलाते हैं आप? दो टाइम खिलाते हैं। और वॉक कितने टाइम करवाते हैं इसको? एक टाइम इसको वॉक करवाई जाती है। अच्छा वैक्सीनेशन वगैरह बिल्कुल इसकी कंप्लीट है, बस कार्ड आपके पास मौजूद नहीं है। चलें पर नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, इसकी फाइनल प्राइस बता दें। भाई आपको ने इसके लिए 20 हो जाएगा। नाम मेरा उमेर है, कॉन्टैक्ट नंबर 03146039। चलें लोकेशन बता दें अपनी, औरंगी। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? ये लैब्राडोर है, चॉकलेट। चॉकलेट लैब्राडोर है, प्योर है, क्रॉस है? ये प्योर में। पेडिग्री नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री है। नॉन पेडिग्री है, बिल्कुल प्योर ब्रीड है जी, बिल्कुल। ठीक है तो ये बताएं कि अभी इसकी एज कितनी है? इसकी 11 महीने की है। क्या प्राइस है इसकी? इसकी 60,000 रुपये। 60,000 रुपये डिमांड है। ठीक है और डाइट वगैरह बताएं क्या क्या? डाइट वगैरह में इसका सुबह में दूध है, केक वगैरह ये चीज़ें खाता है, और शाम में जो है ना मुर्गी वगैरह पे है ये, और चावल वगैरह। अच्छा वैक्सीनेशन इसकी कंप्लीट है? वैक्सीनेशन कंप्लीट है और वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह भी मौजूद है, जो लेगा उसको वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह सब मिल जाएगा। इसके अलावा उसको रूटीन क्या है, कितनी दफ़ा इसको वॉक करवाते हैं? जी दिन में इसको दो टाइम वॉक करवा रहा हूँ, सुबह के टाइम पे और एक रात के टाइम पे। ट्रेन किया हुआ आपने इसको? जी हर चीज़ पे, वॉशिंग वगैरह पे, हर चीज़ पे ट्रेन, घर पे हर चीज़ बात, हर बात वगैरह मानता है। ठीक है अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? जी फाइनल इसको मैं 50 में दे दूँगा, इससे कम में नहीं। 50 में देंगे, इससे कम में नहीं देंगे। और अभी मार्केट में क्या रेट लग रहे हैं? अभी मार्केट में भी आया हूँ मैं।
मार्केट में अभी मार्केट में भी है, कोई रेट नहीं लगे अभी तक, अभी तक कोई रेट नहीं लगा। चलें पर नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। जी मेरा नाम हैदर है, 0334-36-88-256। लोकेशन क्या आपकी? लोकेशन सोलह बाजार नंबर 1। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? परियस हैं। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आएँ? ये रशियन है। रशियन है, प्योर है, बिल्कुल प्योर। क्या डिमांड करी आपने इसकी? इसकी 12,000। 12,000 डिमांड है इसकी। अच्छा, तो इसके बारे में फर्दर बताएं, इसे खाने पीने का क्या रूटीन है? ये खाना खाता है बॉयल चिकन, चिकन लेते हैं हम लोग बॉयल करके इसको खिलाते हैं। टाइम खिलाते हैं? दो टाइम इसको दिया जाता है। और वॉक करवाने के लिए कितने टाइम इसको लेके जाते हैं दिन में? घर में ही सहन बना हुआ बड़ा, उसमें ही वॉक करता है, खेलता है, खुला रहता है वहाँ पर। तो टोटली खुला रहता है? टोटल खुला रहता है, वॉक करता है, खेलता है। और फुल ट्रेन है, मतलब बॉल उसके सामने फेंको ना तो बॉल उठा के लाएगा, फिर हाथ में देगा, फिर फेंको, फिर जाएगा वॉशरूम वगैरह। अच्छा, ये बताएं कि वैक्सीनेशन इसकी कंप्लीट है? हाँ, इसकी वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह भी आएगा? ठीक है। अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? 10 में दे दूंगा फाइनल। फाइनल 10 में देंगे, ठीक है। फिर नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। दानिश नाम है, 0345-24-78-488। लोकेशन भी बता दें अपनी। मेरी आयशा मंजिल। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? खैरियत से हैं? ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आएँ? ये जर्मन शेफर्ड का क्रॉस है भाई, तीसरी नस्ल है। तीसरी नस्ल है, क्रॉस है ये? जी हाँ। ठीक है, तो ये बताएं क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड 60 है। 60,000 मांग रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बताएं कि खाने पीने में क्या रूटीन है, क्या क्या खाना पसंद है? उबला हुआ खाना खाता है। उबला हुआ गोश्त? उबला हुआ गोश्त खिलाते हैं। कितने टाइम देते हैं? मुर्गी का गर्दन वगैरह होती है ना, उबाल के खिलाते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि इसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन वगैरह कम्प्लीट है? रेबिस? जी हाँ बिल्कुल। कार्ड है आपके पास वैक्सीन? नहीं, वैक्सीन कार्ड अबू के पास है, डॉक्टर से लगवाई थी। कार्ड वैसे है आपके पास? आपको खरीदेगा तो आप कार्ड दे देंगे? जी मैंने कहा कार्ड मौजूद है आपके पास। अभी इस डॉग की उम्र कितनी है? ये साल का। एक साल का? जी हाँ। ठीक है, इसको कुछ सिखाया ट्रेन वगैरह? बिल्कुल, घर का ट्रेन है। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया वो बता दें व्यूअर्स को। नहीं मतलब घर वालों की ज़्यादा बातें मानता है। घर वालों की बात मानता है ये? छोटा सा लिया था, छोटा सा पाला। घर वालों की बात मानता है तो बात माननी भी चाहिए घर वालों की। जिस घर में रहेगा उसकी बात नहीं मानेगा तो फिर तो गलत सी बात होगी ना। अच्छा, ये बताएं कि कितने तक बनेंगे फाइनल? अब जिस तरह लग जाए। अभी यहाँ पे मार्केट में क्या रेट तो मिलेंगे नहीं जिस तरह हम कह रहे हैं। जैसे ये बताएं कि यहाँ पे मार्केट में क्या रेट लग रहे हैं? मार्केट में कुछ कह नहीं सकते, बस आ रहे पूछ के चले जा रहे हैं। अच्छा, कोई रेट नहीं लगा रहा अभी तक? रेट नहीं लगा है। रेट वही आवाज़ दे रहे कि भाई बोल दो कुछ, तो बोल दो आप भी बोल दो। अच्छा, ये बताएं आपका क्या इरादा, आप फाइनल कितने तक में देंगे? आखिरी रेट बता दें अपना। 50 तक। 50 तक में देंगे, ठीक है। अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। जी रशीद अहमद नाम है, 0311-27-5007। अच्छा, ये बताएं लोकेशन कहाँ है आपकी? रहते हैं कहाँ? किमाड़ी में। किमाड़ी में? केपड़ी ग्राउंड। चलें हमारे व्यूअर कांटेक्ट करेंगे, कमी पेशी कर लिए अगर और मजीद हो सके तो, ठीक है? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम तो बोल रहे हैं भाई कि आ जाओ। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे जनाब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या लेकर आए? जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड प्योर है, क्रॉस है ये? नहीं प्योर है। ये इतना छोटा सा कैसे रह गया? अभी असल में उम्र कम है ना, इसलिए छोटा रह गया। उम्र कम है इसकी, ठीक है। दिखाएगा जरा इसको आगे निकाल के। अच्छा, तो ये बताएं कि इसकी डाइट वगैरह क्या है, इसका रूटीन क्या है? अभी इसकी रूटीन दिन में 2 बार इसको खाना दे रहा हूँ 12-12 घंटे के हिसाब से, और बाकी केक वेक खिला देता हूँ जो भी होता है। और डाइट के अंदर वही अपना चावल के साथ कोई भी चिकन विकन वाला आइटम मिला के, कभी रोटी के साथ मिला के दे देता हूँ। दलिया वलिया खिला देता है इसको? हाँ, हल्की से खा लेता है बहुत आराम से। तो ये बताएं कि इसके अलावा वैक्सीनेशन वगैरह इसकी करवाई? बार बार हुई है इसकी, और अभी तो एक ही फर्स्ट वैक्सीन ही हुई है, कार्ड इसका मौजूद है। अच्छा, और इसके अलावा ट्रेन वगैरह किया आपने इसको? हाँ, अभी तो फिलहाल पोटी ट्रेन ही है, और तो कोई खास नहीं है। बाकी अपना नाम वाम समझता है, बात बात समझता है, सुन लेता है अपनी मर्जी से। मानता है ये? हाँ, कहना मान लेता है, सुन लेता। मानना भी चाहिए इसको आपका। अच्छा, और अभी इसकी उम्र कितनी है? 3 महीने। 3 महीने इसकी उम्र है। नहीं, ये बताएं कि बड़ा होकर क्या बनेगा? जर्मन शेफर्ड बनेगा, लैब्राडोर बनेगा? जर्मन शेफर्ड की है, बाकी नसीब है इसका जो बन जाए। ये बताएं कि फाइनल डिमांड क्या है व्यूअर्स के लिए? अभी ये नॉट फॉर सेल है। नॉट फॉर सेल है? सेल नहीं कर रहा आप? सेल नहीं कर रहा। अगर इसकी डिमांड लगती तो सेल कर देंगे? अभी मैं लेकर आया था मार्केट में, इसके लगे मेरे को 25 भी लगे, 27 भी लगे। 25-27 लगे आपने? हाँ, दिया नहीं है नहीं। तो कितने तक में देने का इरादा आप? फिलहाल अभी सेल करने का इरादा नहीं है इसको। सेल करने का इरादा नहीं है अभी। चलिए अपना नाम बता दें, फोन नंबर। 0309-22-73929। सर लोकेशन क्या आपकी? करीमाबाद। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब? खैरियत से? अल्लाह का करम जी। कौन सा डॉग लेकर आए? ये टेरियर। टेरियर है? प्योर है, क्रॉस है? प्योर है। क्या डिमांड है इसकी? 20,000। 20,000 मांग रहे हैं जी। मेल है फीमेल है ये? फीमेल है। ठीक है, इसको दिखाइए आगे करके। अभी फुल मैच्योर है या फिर अभी? ये अभी 11th मंथ की है। 11th मंथ की है जी। ओके, साइज में और बड़ी होगी या नहीं? बस थोड़ी सी और बड़ी होगी। इसको डाइट में क्या क्या देना है, क्या खिला रहे हैं? चिकन, चावल, दूध रोटी, डबल रोटी।
अच्छा वैक्सीनेशन वगैरह सी कंप्लीट है बिल्कुल? नहीं वैक्सीनेशन नहीं लगा। वैक्सीनेशन नहीं हुई, करवानी पड़ेगी जी। ठीक है, बताएंगे को खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे आप? आपके व्यूवर्स को 18,000 में दे देंगे। 18,000 में फाइनल जी। चले अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बताना। मेरा नाम एलन एल्फ्रेड, कॉन्टैक्ट नंबर 0332-67-1169। अच्छा लोकेशन क्या आपके? केमाड़ी। चले बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, थैंक यू। तो व्यूवर्स जी थी सदर सेंटर डॉग मार्केट की अपडेट। आज हमने यहाँ पे कुछ नया ब्रीड भी देखे जो पेडिग्री डॉग आए थे और यहाँ पर जो भी डॉग थे आपके साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट आप तक पहुँच गई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरीके से आप तक अपडेट पहुँचाते रहें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो हम लोगों ने 1 बजे से हमारी कवरेज स्टार्ट हुई थी, तो अब कवरेज करते करते 2:30 बज चुके हैं। और एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो कराची में आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसके बाद आज हमने ऐसा जर्मन शेफर्ड देखा जो बेचारा लेटा हुआ हाँ पर रहा था मार्केट के अंदर। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और चैलेंज भी है वीडियो बनाना। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सूरत हाल यहाँ के मार्केट आज यहाँ के साइड पर थोड़ी कम लगी थी, लेकिन यहाँ पर अच्छी ब्रीड भी आई थी तो हमने कवर करके आपकी खिदमत में पेश कर दी। तो हमारी कवरेज यहाँ पर एंड हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। व्यूवर्स आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट संडे आएंगे आपकी खिदमत में, अब एक अपडेट लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।